क्रैडल पार्ट्स एंड इंस्पेक्शन। तो क्रैडल के जो पार्ट्स होते हैं और इंस्पेक्शन करना है उसके बारे में देखते हैं। उसमें क्या क्या है, फ्रंट बीम है, ये फ्रंट बीम है और ये मिडल बीम है और यह जो है फ्रंट सपोर्ट है और यह रियर सपोर्ट है और यह अपर कॉलम है। इन सभी को इसमें जो है किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए और यह बैंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से इसमें कट नहीं होना चाहिए और यह मुड़ा भी नहीं होना चाहिए। इस सभी चीजों का हमको इन सब में इसमें जो है ध्यान रखना है। इसके बाद लिमिट स्विच है, यह लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच भी हमको चेक करना है कि यह फंक्शन कर रहा है कि नहीं, यह बराबर चेक होना चाहिए। अपर लिमिट स्विच स्टॉपर ऊपर जो है यहाँ पे यह जो है स्टॉपर होना चाहिए लिमिट स्विच को काम करने के लिए। लिमिट स्विच जो है लगना है तभी लगेगा लिमिट स्विच तक जब जो है अपर जो है स्टॉपर रहेगा, तो अपर स्टॉपर में जाके टकराता है तभी जो है स्विच जो है काम करता है। इसके बाद जो है यह लिमिट स्विच इसके लिए होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कहीं पे क्रैडल ऊपर जा रहा है ज्यादा नीचे जा रहा है तो ऐसे टाइम पर ऊपर जाएगा तो कहीं पे लड़ सकता है, उसके जो है लिमिट स्विच की आवश्यकता होती है। इसके बाद है इमरजेंसी स्टॉप स्विच। इमरजेंसी स्टॉप स्विच का उपयोग जो है अगर जैसे रिमोट काम नहीं कर रहा है, आरएसपी कंटिन्यू हो गया है, तो ऐसे टाइम में जो है इमरजेंसी स्विच लगाने से जो है आरएसपी रुक जाता है, तो इसका जो है उपयोग काफी महत्व है, इसके लिए यह भी जो है कंटिन्यू फंक्शन में रहना चाहिए। इसके बाद है काउंटर वेट। काउंटर वेट जो है जैसा कैपेसिटी है उसके हिसाब काउंटर वेट जो है होना चाहिए और काउंटर वेट जो है सही ढंग से लगा होना चाहिए, काउंटर वेट लॉट होना चाहिए और लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है ताकि जो है किसी प्रकार से भी कोई भी आदमी उसके साथ में छेड़खानी न कर सके, उसके लिए सही ढंग से काउंटर वेट लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी वायर रोप। ये हमारा सेफ्टी वायर रोप है, इसमें जो है किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए और यह बराबर से काम कर रहा हो, यह सेफ्टी वायर रोप लगा होना चाहिए, यह भी इंश्योर करना है। कहाँ लगा होना चाहिए सेफ्टी वायर रोप, देखिए सेफ्टी लॉक है, ये सेफ्टी लॉक है, इसमें से जो है सेफ्टी वायर रोप पास होता है। इनकेस इमरजेंसी अगर जो है आपका वायर है जो वर्किंग वायर रोप है अगर वह डैमेज होता है टूटता है तो यह जो है सेफ्टी वायर रोप जो है यह काम करता है, इसके लिए जो है इसका रहना बहुत जरूरी है, यह जो है सही तरीके से लगा हो इस पे हमको ध्यान रखना है। वर्किंग वायर रोप है, ये वर्किंग वायर रोप है, यह जो है क्रेडल को ऊपर नीचे ले जाने का कार्य करता है, इसके लिए इसमें जो है किसी प्रकार का डैमेज कटा या बर्ड केजिंग या इसका वायर कोई भी इसमें से निकला न हो इस पर भी हमको जो है ध्यान रखना है। वायर रोप क्लैंप, ये वायर रोप क्लैंप है, यह लूज नहीं होना चाहिए, बराबर फिक्स होना चाहिए, बराबर टाई होना चाहिए, इसका भी हमको जो है चेकिंग करना है, इस पे ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बॉक्स, ये जो है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बॉक्स है, यहाँ से इलेक्ट्रिक की सप्लाई सभी में होती है, इसमें भी किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसमें पानी जाने का कहीं से चांस नहीं होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना है। यह होस्ट जो है, यह मोटर जो है हमारा है जिसके द्वारा जो है यह आरएसपी को लिफ्टिंग करने का, ऊपर ले जाने का, नीचे ले जाने का कार्य करता है, तो यह होस्ट मशीन है, यह भी अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, यह भी रेन प्रोटेक्टेड होना चाहिए, किसी प्रकार से इसमें भी पानी नहीं जाना चाहिए। यह हमारा प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म में किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना है। अगेंस्ट वॉल सपोर्ट रोलर, तो वॉल सपोर्ट रोलर जो है यह क्या होता है कि आरएसपी में लगा होता है सामने साइड में, यह है इसका जो है उपयोग इसके लिए होता है कि डायरेक्ट जो है दीवाल से क्रेडल न टकराए और यह जो है दीवाल में किधर जाके न लड़े, अगर ग्लास वगैरह जैसे फिक्सिंग कर रहे हैं तो ग्लास डैमेज होने का चांस रहता है, इसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि दीवाल से थोड़ा सा दूरी पर रहे क्रेडल। नेक्स्ट है हैवी हैमर, ये हैवी हैमर है जो वायर रोप को टाइट करके रखता है जिससे कि वायर रोप जो है फंसता नहीं कहीं पे, इधर उधर नहीं जाता है, सीधा स्ट्रेट रहता है, उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ड्रेनेज होल्स, ड्रेनेज होल्स जो है यह प्लेटफार्म में, यह ड्रेनेज होल है, यह प्लेटफार्म में होना चाहिए ताकि अगर किसी प्रकार जैसे बारिश हो रही है तो पानी वहां जमा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ड्रेनेज होल भी होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना है। टो बोर्ड, तो जो क्रैडल है क्रैडल में टो बोर्ड होना चाहिए, प्लेटफार्म में टो बोर्ड होना चाहिए ताकि जो है अगर लूज मटेरियल है कोई तो वह जो है नीचे न गिरे, इसके लिए जो है टो बोर्ड की आवश्यकता होती है, टो बोर्ड में डैमेज नहीं होना चाहिए, वह बराबर फिट होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना है। प्लेटफार्म बोर्ड एंड प्लेट्स, प्लेटफार्म बोर्ड एंड प्लेट्स जो प्लेटफार्म है इसका यह नीचे का भाग, यह जो है बराबर होना चाहिए, सही तरीके का मजबूत होना चाहिए या बराबर स्क्रू से फिट होना चाहिए या फिर वेल्डेड है तो वेल्डिंग इसका बराबर होना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना है, डैमेज या कमजोर नहीं होना चाहिए। रेलिंग ऑफ द प्लेटफार्म, यह साइड रेलिंग है, साइड रेलिंग भी बराबर होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, रेलिंग का वेल्डिंग जो है टूटा नहीं होना चाहिए, इस पर भी हमको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग क्रैडल में बॉडी अर्थिंग होना चाहिए, इनकेस ऑफ अर्थ लीकेज, अगर बिजली अगर लीकेज होती है तो उस टाइम जो है यह अर्थ लीकेज काम करेगा, इसके लिए जो है बॉडी अर्थिंग जो है होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल केबल जो है उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, केबल डैमेज नहीं होना चाहिए, केबल कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हाइट पे से अगर ज्यादा ऊंचाई से आप लटकाते हैं तो उसमें उसको जो है टूटने का चांसेस रहता है, इसके लिए केबल आपका मजबूत होना चाहिए, उसमें ज्वाइंट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। रिवियल पिन है, रिवियल पिन जो हुक्स वगैरह लगाते हैं आप, नट बोल्ट लगाते हैं, उसमें जो है रिवियल पिन यह जो है बराबर से फिट होना चाहिए, उसमें रिवियल पिन होना चाहिए ताकि वाइब्रेशन होने पर नट बोल्ट जो है ढीला न हो। फाल अरेस्टर रोप, फाल अरेस्टर रोप जो है आपका सही जगह पे फिट होना चाहिए, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, नोटेड नहीं होना चाहिए और वीक नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, यह भी जो है चेक करना है, इसका ध्यान रखना है। आरसीसीबी और ईएलसीबी 30 मिली एम्पियर। तो आरसीसीबी जो है आपका इलेक्ट्रिकल जहां से कनेक्शन लेंगे वह कनेक्शन कहां से लेंगे, जिस बोर्ड में जो है 30 मिली एम्पियर का जो आरसीसीबी या ईएलसीबी लगा हो वहीं से आप कनेक्शन लेंगे। एरिया शुड बी बैरिकेडेड, एरिया जहां पे काम करेंगे उसके नीचे का एरिया जो है पूरी तरीके से बैरिकेडेड होना चाहिए, इनकेस अगर कोई सामान गिरता है तो वहां से पब्लिक जाती रहेगी तो उसको दिक्कत होगा, उसको लगने का चांसेस रहेगा, इसके लिए जो है एरिया बैरिकेडेड होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है आरएसपी के बारे में जाना, उसकी सेफ्टी के बारे में, पार्ट्स कौन है उसके बारे में जाना और क्या क्या चीजें चेक करना है उसके बारे में जाना। तो अगर वीडियो हमारा ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।